बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बंदा ना चीज़ असगर सुल्तान, माई चैनल इत्माद मैथमेटिक्स एक्सपर्ट। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। तो बच्चों हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है, जो कि मैथ 212। तो इसके हमने शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट किए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक हमने कम्प्लीट कर लिए। और अब करें क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द एक्सट्रीम एक्सट्रीम वैल्यू एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करें द ऑफ द फंक्शन ऑफ द फंक्शन वाई इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस का 4x माइनस 6 माइनस 6। बच्चों एक्सट्रीम का मतलब क्या, हमने क्या फाइंड करनी है, मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम। एक्सट्रीम का मतलब होता है इंतहा, फंक्शन की इंतहा क्या हो सकती है, क्योंकि एक्सट्रीम का मतलब क्या, फंक्शन की इंतहा। या तो फंक्शन मैक्सिमम हो सकता है या फंक्शन मिनिमम, या फंक्शन मैक्सिमम हो सकता है या फंक्शन मिनिमम। हमने क्वेश्चन क्या हमारा, इस फंक्शन के ऊपर वो कौन सा पॉइंट है जो वैल्यू मैक्सिमम देता है, वो कौन सा पॉइंट है जो इस फंक्शन के ऊपर वैल्यू मिनिमम देता है। असल में क्वेश्चन ये है हमारा, क्वेश्चन क्या हमारा, इस फंक्शन के ऊपर ये वाई जोन सा फंक्शन दे दिया हमें, इस फंक्शन के ऊपर वो कौन सा पॉइंट है टर्निंग जो इस फंक्शन के ऊपर वैल्यू मैक्सिमम देता है, और वो कौन सा पॉइंट है टर्निंग जो इस फंक्शन के ऊपर वैल्यू मिनिमम देता है। वो कौन डिसाइड करेगा बच्चों, सेकंड डेरिवेटिव। बच्चों कौन डिसाइड करेगा सेकंड, सबसे पहले डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस तरह भी लगा देंगे डी ओवर डी एक्स, और बच्चों इस तरह भी लगा देंगे डी ओवर डी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस 6। पावर रूल, पावर पहले, पावर में से कम, बच्चों ये 4x का डेरिवेटिव 1 आ गया, 6 का डेरिवेटिव 0। बच्चों मैंने डायरेक्ट ही फार्मूला लगा दिया, ये था हमारा डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड कर लिया। अब क्या करेंगे, पॉइंट मालूम करेंगे, क्योंकि हम असल में क्वेश्चन क्या था, वो कौन सा पॉइंट है जो इस फंक्शन के ऊपर वैल्यू मैक्सिमम देता है। बच्चों वो कौन सा पॉइंट है जो इस फंक्शन के ऊपर वैल्यू मिनिमम देता है, वो कौन डिसाइड करेगा बच्चों, वो सेकंड डेरिवेटिव है जो डिसाइड करेगा इसको। अब क्या करेंगे, सो डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो के बराबर। बच्चों डेरिवेटिव को किसके बराबर ले लेंगे, जीरो के बराबर, क्योंकि हमने पॉइंट मालूम करना है। ये 2x माइनस 4 इक्वल टू जीरो, 2x इक्वल टू माइनस का 4 प्लस का 4, ये 2 इधर मल्टीप्लाई, इस तरफ आ गया 2 डिवाइड, x इक्वल 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया 2 आ गया। बच्चों x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2। अब हमें ये नहीं पता ये जोन सा पॉइंट हमने निकाला है इस फंक्शन के ऊपर वैल्यू मैक्सिमम देगा, या ये जोन सा हमने पॉइंट निकाला है या इस फंक्शन के ऊपर वैल्यू मिनिमम देगा, वो कौन डिसाइड करेगा बच्चों, सेकंड डेरिवेटिव। अब बच्चों हमने क्या मालूम करना है, सेकंड डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसी का दोबारा डेरिवेटिव ले लेंगे, सेकंड हो जाएगा, 2 कॉन्स्टेंट बाहर निकालेंगे डेरिवेटिव एक्स का, फिर डेरिवेटिव 4 का। बच्चों आंसर क्या आ जाएगा, 2 डी एक्स, डी एक्स के साथ कैंसिल 1 आ गया, 4 का डेरिवेटिव 0 2 आ गया, 4 का डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चों, 0 0 का मतलब क्या, 0 आ जाएगा। ये था सेकंड डेरिवेटिव बच्चों, ये क्या था हमारा, सेकंड डेरिवेटिव। अब क्या करेंगे, ये जोन सा पॉइंट है ये हम सेकंड डेरिवेटिव के अंदर पुट करेंगे। बच्चों ये जोन सा पॉइंट निकाला, किसके अंदर पुट करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव के अंदर। बच्चों सेकंड डेरिवेटिव के अंदर क्या करेंगे, पॉइंट पुट कर देंगे, एक्स इक्वल टू 2। बच्चों सेकंड डेरिवेटिव क्या हमारे पास, 2 के बराबर है। एक्स होता तो वैल्यू पुट करते हम, लेकिन हमने प्रोसीजर इसी तरह करना है, सेकंड डेरिवेटिव के अंदर ये वाला पॉइंट पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर 2 आएगा। बच्चों क्या ये 2 लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है, बच्चों ये क्या हमारे पास है, लेस देन 0।
ग्रेटर देन जीरो, सॉरी बच्चों क्या है हमारे पास, ग्रेटर देन जीरो। अगर हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो आ जाए तो ये फंक्शन के ऊपर वैल्यू क्या देगा, मिनिमम। हम क्या लिख देंगे, द फंक्शन हैज मिनिमम एट एक्स इक्वल टू टू। बच्चों ये डिसाइड हो गया, अगर हमारा सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो आ जाए तो हम क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, द फंक्शन हैज मिनिमम एट एक्स इक्वल टू। बच्चों ये जोन सा पॉइंट है, फंक्शन के ऊपर वैल्यू क्या देगा, मिनिमम, ये डिसाइड कर लिया हमने भी। ये जोन सा हमने पॉइंट निकाला था, ये फंक्शन के ऊपर वैल्यू क्या देगा, मिनिमम। अब वैल्यू पुट कर देंगे इसके अंदर, फंक्शन के अंदर। बच्चों y के साथ यहाँ पर लगा देंगे मिनिमम, y के साथ क्या लगाएंगे, मिनिमम, और ये वाला पॉइंट पुट कर देंगे इस फंक्शन के अंदर। अब बच्चों जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर क्या पुट करेंगे, 2। बच्चों जहाँ y के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे ये वाली, अब डिसाइड कर लिया हमने ये y के ऊपर फंक्शन वैल्यू क्या देगा, ये वाला पॉइंट मिनिमम देगा। 2 की पावर 2 4 आ गया, माइनस 4 दूनी 8 आ गया, माइनस 6, बच्चों ये माइनस का 10 आ गया, वाई की वैल्यू मिनिमम आ गई तो ये माइनस का 10 आ गया। बच्चों असल में क्वेश्चन क्या था हमारा, वो कौन सा पॉइंट है जो इस फंक्शन के ऊपर वैल्यू देगा मैक्सिमम, वो कौन सा पॉइंट है जो इस फंक्शन के ऊपर वैल्यू देगा मिनिमम, वो कौन डिसाइड करेगा, सेकंड डेरिवेटिव। सबसे पहले आप लोगों ने डेरिवेटिव फाइंड करना है, फिर डेरिवेटिव को जीरो के बराबर रख के एक्स की वैल्यू निकाल लेनी, देखो पॉइंट निकाल। अब ये पॉइंट हमने पुट करना होता है इस फंक्शन के अंदर, लेकिन हमें ये नहीं मालूम नहीं है भी ये जो सा एक्स इक्वल टू टू है इस फंक्शन के ऊपर वैल्यू मैक्सिमम देगा या मिनिमम देगा, वो बच्चों कौन डिसाइड करेगा, सेकंड डेरिवेटिव। इसलिए हमने ये सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, अब ये जो सा पॉइंट है ये सेकंड डेरिवेटिव के अंदर पुट कर देंगे। ये पॉइंट सेकंड डेरिवेटिव के अंदर पुट किया तो ये ग्रेटर देन जीरो आ गया, अगर ग्रेटर देन जीरो आ जाए तो हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, द फंक्शन हैज मिनिमम एट एक्स इक्वल टू। ये जो सा पॉइंट है फंक्शन के ऊपर वैल्यू क्या देगा, मिनिमम। इसलिए वाई के साथ मिनिमम लिख के जहाँ जहाँ पर एक्स था वहाँ पर टू पुट कर दिया इस फंक्शन के अंदर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर बच्चों 16। अब करें क्वेश्चन नंबर 17। बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। बच्चों ये एक्सरसाइज मैंने समझाई हुई है बड़ी डिटेल के साथ, 4.2। अगर आपको इसके लिंक वगैरह चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर लेना, तो ये सवाल अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, वो कहता है फाइंड द डेरिवेटिव। बच्चों हमने क्या फाइंड करना है, डेरिवेटिव। हमने क्या फाइंड करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है, डेरिवेटिव ऑफ x इक्वल टू टी प्लस ई की पावर टी, फिर एट टी इज इक्वल टू जीरो। बच्चों हमने डेरिवेटिव लेके टी की जगह पर क्या पुट कर देंगे, जीरो पॉइंट पुट कर देंगे। बच्चों फंक्शन क्या दे दिया हमने, देखो एक्स इक्वल टू टी प्लस ई की पावर टी, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे पहले, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हमारे पास, टी है, तो बच्चों टी के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। डी एक्स ओवर डी टी, डी ओवर डी टी टी का डेरिवेटिव, डी ओवर डी टी ई की पावर टी का डेरिवेटिव, टी को टी के रिस्पेक्ट लेंगे 1 आ जाएगा। e का डेरिवेटिव क्या, e फंक्शन वैसे का वैसे, पावर का दोबारा डेरिवेटिव 1 प्लस e की पावर t, dt dt के साथ कैंसल, ये आ गया dx ओवर dt। बच्चों हमारे पास आंसर क्या आ गया, dx ओवर dt निकाल लिया हमने। डेरिवेटिव लेके t की वैल्यू पुट कर देंगे, पॉइंट पुट कर देंगे बच्चों। अब डेरिवेटिव के अंदर क्या पुट करना है हमने, t इज इक्वल टू जीरो। बच्चों डेरिवेटिव के अंदर पॉइंट पुट करना, लाइन लगा लेंगे लंबी सी, वर्टिकल लाइन लगानी है, t इज इक्वल टू जीरो। बच्चों जहाँ जहाँ पर t है वहाँ पर क्या पुट करेंगे, जीरो। अब t की जगह पर क्या पुट कर देंगे, जीरो। अगर बच्चों किसी की पावर जीरो आ जाए,
जैसे ई की पावर जीरो वन के बराबर, टेन की पावर जीरो वन के बराबर, फिफ्टीन की पावर जीरो वन के बराबर, एक्स की पावर जीरो वन के बराबर। अगर किसी भी कांस्टेंट की पावर जीरो या किसी वेरिएबल की पावर जीरो आ जाए, वो बच्चों वन के बराबर आंसर होता है उसका। उसका आंसर किसके बराबर होता है बच्चों? वन के बराबर। तो ये वन प्लस ई की पावर जीरो वन आ गया, कितना आंसर आ गया? टू आंसर आ गया। ये था बच्चों हमारा फाइनल आंसर, ये था क्वेश्चन नंबर 17। बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे? 18। क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18, इसकी स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं सिर्फ ना इसकी गिवन वैल्यू लिखूंगा। वो कहता है द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्म एट द रेट ऑफ थ्री। रेडियस किसके अंदर है? रेट ऑफ थ्री के अंदर है। डी आर हमारे पास कितना आ गया? थ्री। डी आर हमारे पास कितना आ गया? थ्री। इसके बाद कहता है फाइंड द रेट एट विच इट्स एरिया। हमने रेट ऑफ एरिया मालूम करना है बच्चों। क्या मालूम करना है? हमने रेट ऑफ एरिया मतलब क्या फाइंड करना? डी ए हमने मालूम करना है बच्चों, ये सवालिया निशान है। हमने क्या मालूम करना है? डी ए। इसके बाद वो कहता है व्हेन, जबकि रेडियस इज 10 है, आर कितना हमें दे दिया? 10 के बराबर। आर बच्चों किसके बराबर दे दिया? 10 के बराबर दे दिया। क्वेश्चन नंबर बच्चों रेट ऑफ रेडियस, बच्चों फिजिक्स के क्वेश्चन आ गए अब। अब ये क्वेश्चन कौन किसके हैं? फिजिक्स के अंदर बच्चों। डी वाई ओ डी एक्स का मतलब देखो ना, हम तो पढ़ लेते हैं मैथ के अंदर डी वाई ओ डी एक्स। इसको एक और तरीके से भी पढ़ा जा सकता है, रेट ऑफ वाई रेट ऑफ एक्स बच्चों। इसी तरह डी आर को क्या पढ़ेंगे? रेट ऑफ रेडियस। डी एक्स को क्या पढ़ेंगे? रेट ऑफ एक्स। डी ए को क्या पढ़ेंगे? रेट ऑफ एरिया। बच्चों इस तरह हम फिजिक्स के अंदर वैल्यू लिखते हैं रेट रेट के लिहाज से। बच्चों अब देखो किसका जिक्र आया? सर्कल का एरिया का फार्मूला। बच्चों सर्कल के एरिया का फार्मूला क्या हमारे पास? एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। बच्चों एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या हमारे पास? पाई आर स्क्वायर। बच्चों एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या हमारे पास है? पाई आर स्क्वायर। बच्चों कौन सा फार्मूला लगा देंगे एरिया का? एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों एरिया का फार्मूला क्या हमारे पास? सर्कल का पाई आर स्क्वायर के बराबर है, पाई आर स्क्वायर के बराबर। अब इसको डिफरेंशिएट कर दें, किसके किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है इसको बच्चों? आर के।